सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीजी एडुकेशन। मैं करण वर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का टॉपिक कि डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्या क्या बातें करी। तो आज जो साइंटिस्ट के बारे में हम लोग जानने वाले हैं वो कोई नहीं बल्कि हमारे कैरोलस लिनियस हैं। कैरोलस लिनियस साहब जो थे वो कहीं ना कहीं इनका 1707 से 1778 तक का वर्क पीरियड था। और मैं एक बात बता दूं, 2000 साल तक का कहीं ना कहीं वो एक लिमिटेड क्लासिफिकेशन जो था एरिस्टोटल का वो फेल हो चुका था, क्योंकि एक नए साइंटिस्ट आ चुके थे और उन्होंने एक ये स्वेडिश बायोलॉजिस्ट थे। और साथ साथ कहीं ना कहीं कैरोलस लिनियस के और भी कभी कंफ्यूज मत होइएगा, कार्ल वॉन लिनियस या कार्ल लिनियस भी नाम से इन्हें जाना जाता है। और साथ साथ में इन्होंने क्या किया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन की बातें बताई थी। और जब ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन की बात बताएं तो इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी का दर्जा दिया गया। मैं एक बात बता दूं, अगर बच्चे के दिमाग में कभी ये मॉडर्न वाली बात आ जाती कि सर मॉडर्न क्यों, तो पुराना वाला क्यों नहीं, तो गाइज इड्रिकली इज नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ये मॉडर्न टर्म बस लगाया जाता है, इससे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट ना करें खुद में। तो ये जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इनको कहा गया तो किस लिए कहा गया, तो पहला तो इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन की एक थ्योरी दी, दूसरे में साथ साथ इन्होंने बताया कि टैक्सोनॉमी क्या होता है, तीसरे में इन्होंने ये बताया कि व्हाट इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो हम लोग आस्ते आस्ते इन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे कि हाउ डिड इट हैपन और आस्ते आस्ते कौन कौन सी चीज़ें होती गई। तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें वेरीफाई क्या हुआ या फिर क्या क्या चीज़ें बनती चली गई। तो सबसे पहले क्या बना, किंगडम एनिमेलिया और दूसरा बना किंगडम प्लांटे। इनमें हर तरह के प्लांट को कंसीडर किया गया, इनमें हर तरह के एनिमल को कंसीडर किया गया, चाहे वो लायन हो, एलिफेंट हो, चीता हो या फिर जो भी एनिमल्स हो, वो सारी चीज़ को कंसीडर किया गया। और जब प्लांट की बात आती है तो इसमें कैक्टस हो, चाहे छोटे से छोटे पौधा से लेकर बड़े बड़े से पौधा तक के सारी चीज़ की बातें करी गई। और उन्होंने अपने कुछ के कुछ किताब लिखे, जिसमें सबसे पहले आपका आता है सिस्टेमा नेचुरे स्पेसेस प्लांटेरम जेनेरा प्लांटेरम फिलोसोफिया बोटानिका। सिस्टेमा नेचुरा 1735, आपका स्पेसिस प्लांटेरम 1753, आपका जेनेरा प्लांटेरम 1737, आपका फिलोसोफिया बोटानिका, आपका फिलोसोफिया बोटानिका 1751। सी गाइस, ईयर्स आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, आप ईयर्स याद ना करो कोई इशू नहीं, लेकिन ये नाम को ज़रूर आप याद रखें, बिकॉज ऑब्वियसली दिस नेम्स कम्स इन द क्वेश्चन। की कुछ बुक्स के नाम आप बताइए, कौन कौन से बुक्स उन्होंने लिखा था। ये बहुत फेमस किताबें हैं जो उन्होंने बताया था और लिखा भी था, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करते चलेंगे कि सिस्टेमा नेचुरा स्पेसिस प्लांटेरम जेनेरा प्लांटेरम फिलोसोफिया बोटानिका, इन सारे क्वेश्चंस पे आते हैं, इसलिए मैंने आपको ये नाम नोट करवा दिया। तो यस, डोंट गेट प्रेशराइज्ड एंड जस्ट राइट द नेम्स, ठीक है, नोट्स को बनाते चले गए, दैट इज रियली वेरी नेसेसरी, ठीक है। तो फिर हम बात करेंगे कि ये कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी क्यों कहा गया, उन्होंने क्या क्या करा, तो हम लोग इस पर बात करते चलेंगे, चर्चा करते चलेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, उन्होंने एनिमेलिया प्लांटेरिया, ये तो ऑब्वियस बात है, उन्होंने ये किंगडम बनाया ही था, लेकिन उन्होंने अलग अलग लेवल्स में बांट दिए, उन्होंने कुछ कुछ लेवल्स बना दिए। उस लेवल्स में जैसे कि मैं बोलता हूँ इसको कॉग एस वी, कॉग सी स्टैंड्स फॉर क्लास, ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्डर, जी स्टैंड्स फॉर जेनस, एस स्टैंड्स फॉर स्पीसीज एंड वी स्टैंड्स फॉर वैरायटी। जब वो कर रहे थे, जब वो क्लासिफिकेशन कर रहे थे, तो उन्होंने इन सारी चीज़ों की चर्चा करी थी और उन्होंने इस तरह के कुछ लेवल्स रखे थे, जिसको हम लोग देखते चलेंगे, चर्चा करते चलेंगे। फिर जब बात करी जाती कि कैरोलस लिनियस को क्यों बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, तो एज द आंसर वाज व्हाट, कि कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था और बायनोमियल नोमेनक्लेचर जैसी पद्धति को बनाया था। तो व्हाट इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर, गाइस जब भी बायनोमियल नोमेनक्लेचर स्टैंड हो तो बाई स्टैंड्स फॉर टू एंड नोमियल स्टैंड्स फॉर नेम। और नोमेनक्लेचर की बात आती है तो नामकरण करने की पद्धति, कोई एक ऑर्गेनिज्म को दो टर्म से एक नाम देना, ठीक है, मतलब जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, मेरा नाम है करण वर्मा, तो आई यूज व्हाट टाइटल,
ठीक है, तो मैं करण भी यूज़ करता हूँ, वर्मा भी यूज़ करता हूँ, तो ये दोनों क्या मेरे टाइटल के साथ है। लेकिन बात है गाइस क्या आती है कि हम एक हर एक ऑर्गेनिज्म को दो टर्म डिनोट करके रखा है, वो जो दो डिफरेंट डिफरेंट टर्म है वो भी कुछ ना कुछ डिनोट करते होंगे। तो पहला वाला जो टर्म है वो जीनस डिनोट करता है और दूसरा वाला जो टर्म है वो स्पीसीज डिनोट करता है। जैसे कि इसमें लिखा है हमने बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में, सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इन विच टू टर्म्स आर यूज टू डिनोट अ स्पीसीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, द फर्स्ट वन इंडिकेट्स द जीनस एंड द सेकेंड वन इंडिकेट्स द स्पीसीज एपिथेट। जब भी मैं जीनस की बात करूँ गाइस तो जीनस का मतलब क्या होता है, अ ग्रुप, ठीक है। जब भी स्पीसीज की बात हो तो स्पीसीज होता है टाइप और काइंड ऑफ थिंग, या टाइप और काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, टाइप और काइंड ऑफ एनिमल्स, ठीक है। जब हम बात करते हैं एपिथेट की तो एपिथेट क्या है, एपिथेट इज अ टर्म यूज टू कैरेक्टराइज अ पर्सन और अ थिंग। जब हम बात करते हैं एपिथेट की तो व्हाट इज एपिथेट, एक ऐसा टर्म जो कोई एक पर्सन को यार कोई चीज को कैरेक्टराइज करे उसे हम क्या कहते हैं एपिथेट। तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में आपको सबसे पहले एक बात बताया राना टिग्रिना, दूसरा हमने आपको बताया पैंथरा लियोस। तो राना टिग्रिना स्टैंड्स फॉर फ्रॉग, जिसमें आपका राना जो है जेनस है और जो टिग्रिना है वो आपका स्पीसीज है, पैंथरा जो है जेनस है, लियोस जो है आपका स्पीसीज है। पैंथरा लियोस जैसे है लायन के लिए, उसी तरह से पैंथरा टाइग्रीस है आपका टाइगर के लिए। तो गाइज एक बात आते हैं कि व्हाट इज अ स्पीसीज, स्पीसीज क्या होता है, टाइप और काइंड ऑफ थिंग को हमने स्पीसीज कहा है। लेकिन स्पीसीज की और एक बातें आ जाती है, जब कभी भी एक ऑर्गेनिज्म जिसमें एक क्षमता हो सके कि वो दूसरे एक ऑर्गेनिज्म को बना पाए, मतलब इफ ही और शी इज हैविंग द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, देन ओनली दैट विल बी नोन एज व्हाट, स्पीसीज। तो कहीं जब बात हम करते हैं स्पीसीज की, व्हाट इज अ स्पीसीज, तो स्पीसीज बोला जाता है कि वैसे दो ऑर्गेनिज्म जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के हों, मतलब अगर हॉर्स है तो हॉर्स ही रहना चाहिए, ठीक है, अगर डंकी है तो डंकी ही रहना चाहिए। जब ये डंकी और डंकी जब एक साथ ब्रीड करेंगे तो जो ऑफस्प्रिंग आएगा वो ऑब्वियस सा बात है क्या होगा, उसमें क्षमता रह सकती है कि वो रिप्रोड्यूस कर सके। लेकिन जब बात आ जाती है डिफरेंट, मतलब क्रॉस ब्रीडिंग की, मतलब एक मेल डंकी है और एक फीमेल हॉर्स है, इन दोनों को जब हम ब्रीड करवाते हैं साथ में, तो करवाने के बाद जो पैदा होता है वो बच्चे को हम क्या कहते हैं, म्यूल। लेकिन म्यूल में कोई क्षमता नहीं रहती कि वो नए ऑफस्प्रिंग को प्रिपेयर कर पाए, तो हैंस अ म्यूल इज नॉट अ स्पीसीज, इस बात को ध्यान रखें। मतलब स्पीसीज बस वही कहलाएगा जिसमें खुद के तरह बनाने की क्षमता रहे, या फिर खुद के तरह एक नए ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करने की क्षमता रहे, दैट ऑर्गेनिज्म विल बी नोन एज व्हाट, स्पीसीज। अदर देन दैट नो वन इज अ स्पीसीज, जिनमें कोई क्षमता नहीं है रिप्रोड्यूस करने की, मतलब वो अपनी पीढ़ी को आगे नहीं बढ़ा सकते, वो तो वहीं पर स्टॉप हो गए ना, कि आगे वो बढ़ा सकते अपनी पीढ़ी को, नहीं बढ़ा सकते, मतलब म्यूल पैदा हुआ म्यूल वहीं पर खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, वो आगे बढ़ा ही नहीं सकता, मतलब म्यूल की खानदान नहीं बढ़ेगी, म्यूल वहीं का वहीं रुक जाएगा। लेकिन जो घोड़ा थे वो घोड़ा के साथ ब्रीड करेगा तो घोड़ा चलते चला जाएगा, अगर डंकी डंकी के साथ ब्रीड करेगा तो चलते चला जाएगा, लेकिन अगर डंकी हॉर्स के साथ ब्रीड करेगा तो नहीं चलेगा। हैंस अ म्यूल इज नॉट अ स्पीसीज, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा टैक्सोनॉमी समझेंगे कि व्हाट इज टैक्सोनॉमी एक्चुअली, ठीक है। सो गाइस हमारा टॉपिक ये चल रहा था कि व्हाट इज टैक्सोनॉमी, तो बातें आती कि व्हाट इज टैक्सोनॉमी, तो सीधी सी बात है क्लासिफिकेशन का साइंटिफिक टर्म ही होता है टैक्सोनॉमी, और द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज व्हाट, टैक्सोनॉमी। मतलब क्या, अगर कोई भी क्लासिफिकेशन अगर हमें करना है, कोई भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है, तो वी रिक्वायर अ साइंस बिहाइंड इट। हम किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म को उसके ऑर्डर पर बांट सकते हैं, और कहा क्या जाता है कि ये हमें ये बताता है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ द डाइवर्सिटी एंड द काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग देम। बोला क्या जाता है कि हम लोग को इसमें देखो ये टोटली क्लासिफिकेशन ही है, बट इसको साइंटिफिक टर्म टैक्सोनॉमी कहा जाता है। इसमें एक्चुअली हम लोग ये पढ़ते हैं कि विस्तारता कितनी है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के बीच में, या फिर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो इतने विस्तार रूप में बैठे हुए हैं या फिर इतने सारे पड़े हुए हैं, उनको हमें पढ़ना है, हर चीज़ को पढ़ना है। लेकिन पढ़ना इतना आसान तो है नहीं, वहाँ पर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स होती होंगी, लेकिन वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही हमें टैक्सोनॉमी देता है। कैसे देता है, तो वो उन्हें क्या करता है ना कि एक अलग अलग रैंक्स में बांट देता है, पोजीशन में बांट देता है, जिसे हम हायरार्की भी कहते हैं, और साथ साथ में हमें एक एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का आइडिया भी देता है। व्हाट इज एवोल्यूशन देन गाइस, बोला क्या जाता है जब कभी भी एक लंबे समय के कारण, एक लंबे टाइम पीरियड के कारण एक ऑर्गेनिज्म किसी और ऑर्गेनिज्म में तब्दील हो जाता है, चेंज हो जाता है, दैट इज़ व्हाट एक्चुअली एवोल्यूशन। जो थ्योरी आपका किस पे जाता है, जब कभी भी एक एप चेंज हो जाता है कि ह्यूमन में बहुत साल पीरियड के बाद। लेकिन गाइज ये थ्योरी पूरा का पूरा गलत है, अगर ऐसा होता तो बहुत सारे एप्स को रखा गया है लैबोरेटरी में, वो अभी तक चेंज हो चुके होते हैं, ठीक है। आप बोलोगे कि नहीं सर हमारा तो है ही सर, मतलब हम लोग तो बिलोंग ही करते हैं मतलब बंदर की प्रजाति से, तो भाई आप बंदर की प्रजाति से बिलोंग नहीं करते, आपको कोई देख लेगा ना तो बोलेगा कि नहीं, बंदर भी बोलेगा नहीं हम इसके पूर्वज नहीं है, हमारा पूर्वज है, तो वो गुण है आप में, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, आप बुरा भी नहीं मानना है, ठीक है।
एक्चुअली द थिंग इज व्हाट गाइस, कि व्हेन वी टॉक रिगार्डिंग एवोल्यूशन, ये एक ड्रास्टिक चेंज की बात करती है, लेकिन एक लंबे समय के बाद का, मतलब हजार साल लाखों साल के बाद एक नया स्पीसीज ही बन जाता है और वो स्पीसीज अपने स्पीसीज को बढ़ाते रहता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर बात करी जाए तो पहले क्या, जैसे लिजर्ड था, लिजर्ड से एक फ्लाइंग लिजर्ड बना, फ्लाइंग लिजर्ड से एक टेरिसोर बना, और ये कहीं ना कहीं अपने अपने स्पीसीज को वो कंटिन्यू भी करते रहे रिप्रोड्यूस करते हुए, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ गुण रहता है। लगता ही है कि लिजार्ड के लिजार्ड इसके एंसिस्टर होंगे, जो कि हम लोग आगे जाके पढ़ते चलेंगे। डोंट वरी फॉर इट, एकदम परेशान नहीं होना है। और बोला क्या जाता है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग नेम्स टू द थिंग्स और ग्रुप ऑफ थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन इन अ हायरार्की। ये क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को नेम दिया जाता है, और नेम भी जब भी हम देते हैं तो कैसे देते हैं, तो या तो उस व्यक्तिगत ऑर्गेनिज्म को दे दिए या तो पूरे के पूरे ग्रुप को दे दिए अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन इन अ हायरार्की। इसका मतलब क्या होता है, तो बात होता है कि हायरार्की का मतलब क्या होता है। गाइस, हायरार्की मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, बस इसे पोजीशन या फिर आप रैंक कह सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी इशू। और जब भी हम बात करेंगे, ये एक ऐसा प्रोसेस है जब कोई वस्तु को या फिर ग्रुप ऑफ वस्तु, या फिर यहाँ पर हम तो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हम बोल सकते हैं या तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की या तो ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम दिया जाता है उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग। किस में? एक हायरार्की में। और हायरार्की का मतलब ही क्या होता है, पोजीशन। इसके बाद हम लोग हायरार्कियल स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे कि कैसे क्या होता है। जैसे कि हम लोग अभी बात करेंगे कि कोई एक किंगडम में, जैसे एनिमल किंगडम हो गया, एनिमल किंगडम के अर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट आते हैं और इंसेक्ट में एंट आता है, तो देखिए एंट सबसे नीचे चला गया जो कि एक स्पीसीज है, ठीक है। और उस तरह से और भी बहुत सारे आर्थ्रोपोडा में और भी बहुत सारे कंटेंट आते रहते हैं, लेकिन बात हमारा क्या है, हमने सबसे पहला क्या हायरार्की बनाया। तो हायरार्की में देखिए गाइस, बहुत इजीली क्या आता है, सबसे पहले किंगडम आता है। किंगडम जैसे मान लेते हैं एनिमिलिया किंगडम की बात कर रहे हैं, एनिमिलिया किंगडम आ गया, उसके बाद आपका फाइलम आता है, क्लास आता है, ऑर्डर आता है, फिर फैमिली आता है, फिर जेनस आता है, फिर स्पीसीज आता है। इस तरह से स्पीसीज जो है सबसे लास्ट मुद्दा रहता है हमारा। और कोई भी ऑर्गेनिज्म की हम जब बात करते हैं तो सबसे लेटेस्ट, मतलब सबसे लास्ट वाला पोजीशन उसका रहता है, दैट इज व्हाट स्पीसीज का। ये हम लोग आस्ते आस्ते समझते चलेंगे, डोंट वरी फॉर इट। बस एक टर्म था टैक्सोनॉमी, इसके आगे जाकर हायरार्की को बहुत अच्छे से समझना है और आपको याद हो जाएगा, डोंट वरी फॉर इट, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये जो कैरोलस लिनियस ने यहाँ पर अपना क्लासिफिकेशन बताया था, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था, तो गाइज आपको बस ये कुछ नहीं, आप वीडियो को पॉज करके पॉइंट को सारे लिखते चलेंगे। तो सबसे पहला बात तो क्या था, उन्होंने बहुत सिंपल कर दिया था किस चीज़ को, टू स्टडी अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब बातें की जाती है कि इट गिव्स अस एन आइडिया ऑफ एवोल्यूशन एंड द इंटर रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब हम बात करते हैं कि ये हमें एक आइडिया भी देने लगा और साथ साथ में एक इंटर रिलेशनशिप भी हमें बताने लगा कि किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से सिमिलर है, ठीक है। तो ये बेसिक्स इनके एडवांटेजेस थे। अब इनका हम फॉलबैक की बात करेंगे और उनके बेसिस पे बात करेंगे, तो गाइस फिर बातें होती है कि इनकी लिमिटेशंस क्या थी। लिमिटेशंस को जानने के पहले एक बात, हमारा मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली इन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था उसकी आधार क्या थी, तो ऑन विच बेसिस दे हैव और ही हैड क्लासिफाइड द होल थिंग। एक्चुअली व्हाट वाज व्हाट, इन्होंने प्लांट और एनिमल को तो बांट दिया था, तो प्लांट और एनिमल की उन्होंने सबसे पहले देखी कि ये करता क्या है। तो प्लांट इमोबाइल है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता, लोकोमोट नहीं कर सकता, लेकिन एनिमल लोकोमोट कर सकते हैं। प्लांट जो है वो कभी भी इनटेक ऑफ फूड नहीं करता, ठीक है, वो अपना खाना खुद से बनाता है और साथ साथ में खुद अपना यूज करता है, दूसरे को खिलाता भी है, और दे आर नोन एज व्हाट, ऑटोट्रॉफ। लेकिन जब हम बात करते हैं एनिमल्स की, तो ये डिपेंडेंट रहते हैं प्लांट पे और दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, हेंस दे आर व्हाट, हेटरोट्रॉफ। और जब बेसिक से लिमिटेशंस थे इनकी, तो लिमिटेशन क्या था, इन्होंने कभी भी चर्चा ही नहीं किया कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है। तो अगर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक की बात ही नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कौन सा ट्रू सेल है, कौन सा फॉल्स सेल है, और कौन से ऑर्गेनिज्म किस सेल के बने हुए हैं। इन्होंने यही नहीं बताया कि कौन सा यूनिसेलुलर है, कौन सा मल्टीसेलुलर है, और मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर की अगर ज्ञान हमें नहीं होगी तो हमें कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म कितने सेल के बने हैं, बड़े ऑर्गेनिज्म कितने सेल के बने हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं फोटोसिंथेटिक नॉन फोटोसिंथेटिक की, उन्होंने ये भी नहीं चर्चा करी थी कि कौन सा ऑर्गेनिज्म खुद से फूड प्रिपेयर करते हैं, कौन ऑटोट्रॉफ है, या कौन सा ऑर्गेनिज्म दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है जो हेटरोट्रॉफ है। और अगर ये बताया भी था तो उन्होंने ये नहीं बताया था कि पौधे फोटोसिंथेटिक हैं या नॉन फोटोसिंथेटिक, ये सारी चर्चा नहीं चली थी। और इसके साथ साथ जो बड़ा सा बहुत बड़ा इशू था, उन्होंने बैक्टीरिया, फंगस, वायरस की कोई बात ही नहीं करी थी, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था इनके क्लासिफिकेशन का। और ये इतने बड़े ड्रॉबैक रहने के साथ साथ हम ज्यादा कुछ सीख ही नहीं पाते, तो इस ड्रॉबैक का सबसे बड़ा आउटकम क्या होना चाहिए था, एक नया क्लासिफिकेशन की हमें जरूरत थी, एक नए औदे से नए क्लासिफिकेशन की हमें जरूरत थी, जो क्लासिफिकेशन हमें बाद में मिलता है व्हिटेकर्स के फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में,
इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, डोंट वरी। तब तक आप जुड़े रहें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अगर जो कोई दिक्कत रहे तो आप जरूर से जरूर एक कमेंट में लिखें। एंड हाँ, डोंट वरी, वी आर ओवर हियर, जरूर से जरूर वीडियो को पूरा देखें। एंड गाइज, हाँ, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। एंड हाँ, इन सारे पॉइंट्स को आप लिख लें वीडियो को पॉज करके, एंड नोट्स को बनाते रहें। दैट्स ऑल, थैंक यू क्लास।